जी, पशुपति पारस जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, दुनिया के अलग अलग देशों से आए सभी अतिथिगण, राज्यों से आए मंत्रीगण, उद्योग जगत और स्टार्टअप वर्ल्ड के सभी साथियों, देश भर से जुड़े हमारे किसान भाई और बहन, देवी और सज्जनों, आप सभी का वर्ल्ड फूड इंडिया ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। अभी मैं टेक्नोलॉजी पैवेलियन को देखकर के यहां आया हूं। जिस तरह यहां टेक्नोलॉजी पैवेलियन, स्टार्टअप पैवेलियन और फूड स्ट्रीट जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, वो अद्भुत है। टेस्ट और टेक्नोलॉजी का ये फ्यूजन एक नए फ्यूचर को जन्म देगा, एक नई इकोनॉमी को गति प्रदान करेगा। आज की बदलती हुई दुनिया में 21वीं सदी की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक फूड सिक्योरिटी भी है। इसलिए वर्ल्ड फूड इंडिया का यह आयोजन और भी अहम हो गया है। फ्रेंड्स, भारत में प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री को आज सनराइज सेक्टर के रूप में देखा जा रहा है। पहले वर्ल्ड फूड इंडिया से के आयोजन से जो परिणाम प्राप्त हुए, वो भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पिछले 9 वर्षों में इस सेक्टर में 50,000 करोड़ का एफडीआई आया है। ये भारत सरकार की प्रो इंडस्ट्री और प्रो फार्मर्स पॉलिसीज का परिणाम है। हमने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए पीएलआई की स्कीम प्रारंभ की है। इसके तहत इंडस्ट्री और नए प्लेयर्स को विशेष सहयोग मिल रहा है। आज भारत में एग्री इंफ्रा फंड के तहत पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हजारों प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। इसमें भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री में भी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, आज भारत में ये जो इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनी हैं, वो फूड सेक्टर को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है। पिछले 9 वर्षों में हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है, 13 to 23। 9 सालों में प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट में करीब करीब 150% की वृद्धि हुई है। आज हम 50,000 मिलियन डॉलर से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें
भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। ये फूड सेक्टर से जुड़ी हर कंपनी के लिए, हर स्टार्टअप के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, ये ग्रोथ अपने आप में स्पीडी और रैपिड जरूर लग रही है, इसके पीछे हमारी कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड मेहनत भी रही है। हमारी सरकार के दौरान ही भारत ने पहली बार एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई। हमने नेशन वाइड लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क खड़ा किया। आज भारत में 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब तैयार हुए हैं, जो सीधे डिस्ट्रिक्ट सीधा ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं। पहले देश में 2 मेगा फूड पार्क होते थे, आज ये संख्या 20 से भी ज्यादा हो गई है। पहले हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी 12 लाख मैट्रिक टन थी, अब ये 200 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा है। यानी 9 वर्षों में 15 गुना से ज्यादा की वृद्धि। ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो पहली बार विदेशी बाजारों में जा रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का ब्लैक गार्लिक, कच्छ का ड्रैगन फ्रूट या कमलम, मध्य प्रदेश का सोया मिल्क पाउडर, लद्दाख का कार्किचू एप्पल, पंजाब का कैवेंडिश बनाना, जम्मू का गुच्ची मशरूम, कर्नाटका का रव हनी, ऐसे कितने ही प्रोडक्ट्स हैं जो कई देशों में पहली पसंद बन गए, बहुत पसंद किए जा रहे हैं। यानी आपके लिए पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बाजार बन रहा है। साथियों, भारत के भीतर भी और एक फैक्टर उभर रहा है, मैं इस बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज भारत में तेजी से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। बढ़ते अवसरों के साथ घर के बाहर काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके कारण पैकेज फूड की मांग बढ़ी है, काफी बढ़ रही है। इससे हमारे किसानों के लिए, हमारे स्टार्टअप्स और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। इन पॉसिबिलिटीज के लिए, इन एम्बिशियस पॉलिसीज के लिए आपके प्लान भी उतने ही एम्बिशियस होने चाहिए। साथियों, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भारत की ग्रोथ स्टोरी के 3 सबसे प्रमुख आधार है। छोटे किसान, छोटे उद्योग और महिलाएं। छोटे किसानों की भागीदारी और उनका लाभ बढ़ाने के लिए हमने फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओस को प्रभावी प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया। भारत में हम 10,000 नए एफपीओस बनवा रहे हैं, जिनमें से 7,000 बन भी चुके हैं। इससे किसानों के लिए मार्केट तक पहुंच और प्रोसेसिंग सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ रही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की भागीदारी बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग में करीब 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइज को संगठित किया जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट
ओडीओपी जैसी योजनाओं से भी छोटे किसानों और लघु उद्योगों को नई पहचान मिली है। साथियों, आज भारत दुनिया को विमेन लेड डेवलपमेंट का मार्ग दिखा रहा है। भारत की इकोनॉमी में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इसका भी फायदा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हो रहा है। आज भारत में 9 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। आप सब जानते हैं, भारत में हजारों वर्षों से फूड साइंस की लीडिंग साइंटिस्ट महिलाएं ही रही है। हम जो फूड वैरायटी देखते हैं, जो फूड डाइवर्सिटी देखते हैं, ये भारतीय महिलाओं के स्किल और नॉलेज का नतीजा है। अचार, पापड़, चीज, मुरब्बा जैसे कितने ही प्रोडक्ट्स के मार्केट को महिलाएं अपने घरों से चलाती रही है। भारत की महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लीड करने की स्वाभाविक क्षमता है। इसके लिए हर स्तर पर महिलाओं को कुटीर उद्योगों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में भी 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को करोड़ों रुपयों की सीड कैपिटल दी गई है। और मैंने टेक्नोलॉजी के लिए अभी यहां से उसको ऑलरेडी उनके खाते में जमा कर दिया। मैं इन महिलाओं को विशेष बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, भारत में जितनी सांस्कृतिक विविधता है, उतनी ही खाद्य विविधता, फूड डाइवर्सिटी भी है। हमारी ये फूड डाइवर्सिटी दुनिया के हर इन्वेस्टर के लिए एक डिविडेंड है। आज जिस तरह पूरी दुनिया में भारत के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है, वो भी आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है।